उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नरोदा गांव में फायरिंग व पथराव की घटना होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक युवती को तंग करता था और जब परिजनों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस को की गई तो कुछ लोगों ने युवती के परिजनों व जानकारों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि गांव का ही एक युवक गांव में रहने वाली युवती को फोन पर परेशान करता था। बीती रात युवती के घर में घुस गया। इसकी शिकायत थाना मैनाठेर में दी गई, जिसके चलते पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव नरोदा का है। इस खूनी संघर्ष में लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए गांव उधरकी लाया गया है, जहां से कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं जिनकी स्थिति सामान्य है उनको घर भेज दिया गया है। घायल गफ्फार ने बताया कि राहिल नाम का युवक गांव में ही एक लड़की को फोन करता था और बीती रात उस लड़की के घर में घुस गया। इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके चलते पुलिस ने राहिल को गिरफ्तार कर लिया। घायल ने बताया कि पुलिस को आरोपी की शिकायत देने पर कुछ लोगों ने रंजिशन उन पर खेत में जाते समय हमला कर दिया। आरोपी द्वारा पथराव भी किया गया और देसी तमंचे से दो लोगों ने तीन तीन फायर किए जो हवा में चलाए गए थे। इस पथराव में हमारे लगभग एक दर्जन से लोग घायल हुए हैं। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कुंद्रकी लाया गया। कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं जिस एम्बुलेंस में घायलों को ले जाया गया था, उस एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने तो पीपी किट डाली हुई थी, ना ही मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। ऐसी स्थिति में लोगों को ले जाना एक गंभीर समस्या भी बन सकता है। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। मेरा नाम गफ्फार हुसैन। गफ्फार हुसैन जी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला कुछ नहीं था साहब, एक गांव में एक रात लड़की घर, इसका यासीन का लड़का राहिल राबिल, वो लोग वहां पे उसके घर पे फोन करता था और फोन करने के बाद में रात सुबह जो उन्हें तहरीर दे दी, तहरीर देने के बाद पुलिस उसे उठा के ले गई। उसने समझा कि प्रधान ने हमारे खिलाफ एफ आई आर करा थी। उस शक पे आधार पर आके मैं खेत पे से जा रहा था, मेरा भाई की दुकान से जा रहा था, जन से वैगन चलाता है, एक भाई सेलर पे थे, उन्होंने सबको एक एक करके सबको मार लिया। कितने लोग घायल हैं सर? इसमें करीब तकरीबन 11-12 लोग घायल हैं। प्रधान जी, क्या कोई आप मौजूदा प्रधान है? जी, मेरी मम्मी मौजूदा प्रधान है, उनके भी बाहों में चोट है। क्या हुआ था? झगड़ा होगा, हम तो जैसे यहाँ से गए थे, ये तो तैयार थे, तो गाड़ी वाली बढ़ रहेगा, हमें तो रास्ते में गिर गया था। किस मामले में हुआ, क्या मामला था? पूरा झगड़ा ये था, हम अपने चचा को जो है उसने नाम लिखवा दिया किसी और, तो उन्हें छुटा के यहाँ से थाने से लेकर गए थे हम। वहाँ रास्ते में जाते जैसे पहुंचे तो रास्ते में ये तो घर गाड़ी वालों से कर रहे थे। तो कोई रंजिश थी पुरानी? क्या जी, कोई रंजिश नहीं थी हमारी। किस किस लिए वो झगड़ा? वही सी बात, इन्होंने तो भेजा ही नहीं, फिलहाल थे इनके पुराने मारूंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.